क्या हिंदुओं का ठेका सिर्फ भाजपा ने ले रखा है? कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं है क्या? हम भी तो हिंदू है, हम कुंभ स्नान भी कराएंगे और गौशालाएं भी खुलवाएंगे। एक सवाल के जवाब में ये खींच है कांग्रेस सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह की। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा के पास ठेका है हिंदुओं का? क्या हम हिंदू नहीं है? यहाँ पर जो भी लोग खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, हम भी तो हिंदू हैं। और उनकी सरकार 15 साल थी भाजपा वालों की, क्या उनने एक बार भी गौशाला के बारे में बात की? तो गौशाला खुलवाने का मुद्दा हमारा है, हमारी योजना है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर पंचायत में जहाँ पर जगह मिलेगी वहाँ पर गौशाला खुलवाएंगे। और जो भी उनने फैसला लिया है जिसमें हजारों श्रद्धालु कुंभ में जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इससे पूरे प्रदेश भर में लोगों में काफी उत्साह भी है। प्रदेश को युवाओं को उद्योगों में 70% रोजगार देने के निर्णय पर कमलनाथ की प्रशंसा करते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश के बेरोजगारों को फायदा मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था बहुत समय से, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित हैं तो अनिवार्य होना चाहिए था पहले से भी कि अधिकतर लोग जो हमारे प्रदेश के हैं, जो यहीं पर बड़े हुए हैं, जिन्होंने लाखों रुपए उनके शिक्षा पर खर्च किए हैं, तो उनको ही पहले रोजगार मिलने में प्राथमिकता होनी चाहिए थी। और मैं हमारे बहुत ही मेहनती और कर्मठ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनने ये निर्णय लिया है, युवाओं के हित का निर्णय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस निर्णय से जो बेरोजगार शिक्षित युवा थे उनको और रोजगार के अवसर मिलेंगे। भजन मंडलियों का पैसा रोकने के सवाल पर वह बोले, बहुत दिनों से शिकायतें मिल रही थी, हम इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। और ऐसे बहुत सारे युवा साथ में और ऐसे जो लोग जो वहाँ पर मंडली के सदस्य थे वो मेरे पास आते थे भजन मंडली की राशि के लिए। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो राशि पंचायत में पहुँच रही थी वो सही हितग्राही को नहीं मिल पा रही थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे भी जो भी राशि इसमें जो बचेगी उसका फिर जो सही उपयोग है वो हम पूरा प्लान करेंगे। जैसे मैंने कहा था, पहले हम इसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि जो राइडरशिप है और जो बसेस की संख्या है वो BRTS में बढ़े, और अगर फिर भी उसका हमें लगता है कि उससे भी लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर हम निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।